तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नूज ब्लॉग। तो आज आप देख सकते हैं कि मैं घर से आ गई हूँ ने, और अब मेरे आई हूँ तो बहुत काम था। सुबह से मेरे को आज बिल्कुल टाइम नहीं लगा। जब से मैं आई हूँ ना, बहुत ज़्यादा काम हो गया था, घर में फैल गया था। अभी कल मेरे को ऊपर करनी है, तो आज तो मैं भी काम निपटा ही रही हूँ। आपके सामने देखिए, मेरे बर्तन पूरा जला हुआ है, पूरा चल गया था, अभी तो मैं उसको साफ कर रही हूँ। तो और दूसरी चीज़ मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूँगी, वो ये कि मैं कल जब तीन चार दिन, क्या एक हफ्ता हो गया मेरे को रहते हुए अपनी देवरानी के पास, अपने बच्चों के पास, मेरे घर, तो मैं वहाँ गई हुई थी। मेरी देवरानी ने कर दी मेरी हालत आदत खराब, और पहली बात तो मैं से काम नहीं करवाया क्योंकि मेरे को अच्छा लगा। तो सुबह उसके सबसे पहले चाय बनाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और मेरे को आलस आता था, तो ये आदत तो उसने मेरी कर दी है ख़राब। एक हफ्ते में मेरे को बड़ा अखरेगा, जो कि कल सुबह अखरेगा। और सुबह मुझे चाय बना के देती थी, गर्म चाय मिलती थी, तो बस आदत बिल्कुल मेरी कर दी ख़राब उसने। तो आज तो मैं अभी बर्तन मांज रही हूँ, आप देख रहे हैं। तो आज तो मैं ये बोलूँगी बस कि परिवार के साथ रहिए, क्योंकि यहाँ जब मैं आती हूँ ना तो मेरे को बड़ा मिस करने में बहुत याद आती है। और मेरे को आज सारा दिन हो गया है, मेरा खाना बन चुका है, शाम के 7 बजे हैं, काम मेरा सारा हो चुका है, और मैंने खाना भी बना लिया है, सब हो गया है मेरा। बड़े परिवार में तो आपको पता ही है थोड़ा टाइम लगता है मेरे को, क्योंकि मैं उस वहाँ पर तो मेरी देवरानी वगैरह थी, वो मेरी हेल्प कराती थी। यहाँ पे मेरा कोई है नहीं, तो मेरी हेल्प कोई करा नहीं पा रहा है, वरना अभी तक तो पता नहीं कितना काम निपट जाता मेरा। तो आज तो मैं आपको ये बोलने वाली हूँ कि आलस सबसे बुरा होता है, क्योंकि जब से मैं आई हूँ ना, मैं बहुत देर से आलस कर रही थी कि अभी नहीं अभी नहीं, बहुत थोड़े और इकट्ठे हो जाएं बर्तन। तो मैं तो आप देख सकते हैं, मैंने आपसे बात भी कर ली और अपना काम भी कर लिया। और सब बोलते हैं कि मैं काम करती हूँ, तो मैं काम करती रहती हूँ। तो आप ये देखिए, अगर आप भी ये आदत वैसी अपना लें कि आप किसी से बात करें और आपका काम फटाफट हो जाए, तो इसमें क्या है, जल्दी काम करना। ये ट्रिक भी आप यूज़ कर सकते हैं घर में कि जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो आप देख सकते हैं मेरा पतीला ना पूरा बहुत दिन हुए थे, बहुत ख़राब हो रहा था और बहुत ज़्यादा। तो मैंने इसमें कुछ नहीं लगाया, बस मैं बिम लिया और जूने से अच्छी तरीके से मैं रगड़ने की कोशिश कर रही हूँ, पर नहीं हो रहा है। तो मैं देखिए, आप देखते रहिए मैं आज इसमें क्या डालने वाली हूँ, और ये भाई साफ भी हो जाएगा। तो ये देखिए, ये है साबुन, कोई सा भी ले सकते हैं। जरा सा बचा हुआ था, मैं कभी साबुन वेस्ट नहीं करती। साबुन देख रहे हैं, इस साबुन का इतना हिस्सा मैं इस जले हुए पतीले में डाल दूंगी, और उसके बाद अपना जूना, ये वाला जूना है ना, उस पर मैं रगड़ दूंगी। फिर आप देखेंगे ये जो दूध जला हुआ है ना, बिल्कुल साफ हो जाना है, और इसमें जितनी भी गंदगी है वो सारी निकल जाएगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसको रगड़, तो मैं रही हूँ, आप देख रहे हैं मैं रगड़ रही हूँ। एक्चुअली क्या है, मेरा फ़ोन ऊंचाई पे रखा और नीचे पानी बहुत है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा पतीला भी साफ होने वाला है बुरी तरीके से, और ये ट्रिक बहुत इजी है, घर में आप यूज़ कर सकते हैं। कोई सा भी साबुन ले, क्योंकि कपड़े धोते हैं तो बहुत सारा साबुन वेस्ट हो जाता है, और इस ट्रिक से आपके घर में जो साबुन है ना, आप विश्वास मानिए साबुन ज़्यादा चलेगा अगर आप ये ट्रिक यूज़ करेंगे, क्योंकि इस ट्रिक से हमारे बर्तन भी चमक जाएंगे।
अभी मैं आपसे बंद बात कर रही हूँ, हम वीडियो बना रहे हैं, देख नहीं रहे? हेलो फ्रेंड्स, तो अभी उनको मैं दिखा रही हूँ हमारा बचा हुआ साबुन कैसे यूज करते हैं। तो अभी देखिए, तो ये देख सकते हैं आप, अभी मेरा ये पतीला बिल्कुल क्लीन हो गया है और अंदर से इतना चमक गया है, मैं भी आपको दिखाऊंगी, तो आप भी कहेंगे कि हाँ भाई बर्तन तो चमक गया बिल्कुल। तो ऐसा करने से बहुत जल्दी बर्तन साफ हो जाते हैं। कुछ मेरा ये वाला धूना भी खराब हो रहा है, नया लाना है मुझे। यस, मैं आपको दिखाती हूँ भी अपना धूना हमेशा साफ रखिए। अब आप देखिए, देखिए ये मेरा वही दूध का जला हुआ पतीला था, जो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना साफ हो गया है। ओवरऑल आप देखिए ढंग से, तो इसमें आपका कैमरा भी दिख रहा है और वीडियोस भी, तो ये मेरा पतीला देख सकते हैं ना कितना साफ हो रहा है, कितना चमक गया है। ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके, बाय फ्रेंड्स।